राधे राधे जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। वर्ष 2024 में अन्नकूट पूजा कब है, पूजा करने की डेट क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा करने की विधि क्या है, भगवान को कौन सा विशेष भोग हम अर्पित करके प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी ही सुंदर जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। जय माता की, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कॉमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की जानकारी से परिपूर्ण बहुत ही सुंदर ये वीडियो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यानी दीपावली के अगले दिन अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई थी। अन्नकूट पूजा को ही गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार विशेष रूप से ब्रजवासियों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। अन्नकूट के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को 56 तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। साथ ही इस दिन सामूहिक भोज भी आयोजित किया जाता है। जगह जगह गांव में, शहरों में, नगरों में, मंदिरों में इस तरह के भोज के आयोजन किए जाते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन को अन्नकूट नाम का एक भोग बनाया जाता है, 56 भोग बनाया जाता है। बहुत ही तरह तरह के व्यंजनों से भगवान को भोग लगाकर भंडारा किया जाता है, सामूहिक भोज किया जाता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण और सुंदरता प्रेम से परिपूर्ण ये गोवर्धन की पूजा हम सभी के लिए, सभी सनातनियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण एवं फलदायी होती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में अन्नकूट पूजा की डेट क्या है। अन्नकूट पूजा 2 नवंबर 2024 शनिवार को मनाई जाएगी जो कि कल है। गोवर्धन पूजा प्रातःकाल जो शुभ मुहूर्त है पूजा का वो है 6:06 से 8:20 तक। जो लोग सुबह सवेरे पूजा करते हैं, जैसे देखिए वैसे तो यहाँ पर हम मुहूर्त आपको बता ही रहे हैं और हम विधि भी बताएंगे, किंतु यदि आपके कुल की कोई परंपरा है, आपके घर में वर्षों से जो परंपरा से पूजा हो रही है आप उन्हीं उसी के अनुसार पूजा करें। कोई नई परंपरा को हमें नहीं अपनाना चाहिए। हाँ, यदि आपके यहाँ पूजा नहीं होती है और आपका मन करता है, आप लड्डू गोपाल लाडली की सेवा करते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं मुहूर्त। गोवर्धन पूजा का सबसे पहला मुहूर्त है प्रातःकाल 6:06 से 8:20 तक। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 14 मिनट रहेगी। गोवर्धन पूजा का सायंकाल का जो मुहूर्त है वो है दोपहर में 3:03 से 5:16 तक का, जिसकी कुल अवधि 2 घंटे 14 मिनट रहेगी। प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर 2024 को 6:16 से प्रारंभ हो रही है शाम के, और प्रतिपदा तिथि का समापन 2 नवंबर 2024 को रात्रि 8:21 पर होगा। अन्नकूट वृंदावन में मनाया जाने वाला अत्यधिक प्रसिद्ध एवं पौराणिक पर्व है। पहले देवराज इंद्र की पूजा की परंपरा थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पूजा करने के लिए कहा। इस प्रकार उस वर्ष वृंदावन में इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। उधर जब इंद्रदेव को इस बात की जानकारी हुई तो वे बड़े क्रोधित हुए और वृंदावन को नष्ट करने के लिए मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। इंद्रदेव के इस प्रकोप से सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कांधा, हमने आपके कहने पर इंद्र की पूजा नहीं की, अब हम इस प्रलय से कैसे बचें। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर संपूर्ण ब्रज को उसके नीचे सुरक्षित किया था। लगभग 7 दिन तक ब्रजवासी उसी पर्वत के नीचे बैठे रहे। अंत में
देवराज इंद्र ने हार मान ली और जब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि यह तो भगवान की माया है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस प्रकार 7 दिन के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पुनः पृथ्वी पर रखा। तभी से प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पर्वत की पूजा पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। जैसा कि आपने जाना कि देवराज इंद्र के प्रकोप से ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा था। इस दौरान उन्होंने अन्न जल आदि ग्रहण नहीं किया था। 7 दिनों के उपरांत 1 दिन के 8 पहर के अनुसार माता यशोदा और ब्रिजवासियों ने उनके लिए 56 प्रकार के पकवान बनाए। तभी से 56 भोग की परंपरा चली आ रही है। वहीं इस परंपरा से जुड़ी एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के आसन कमल के पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है, इसलिए भी भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी 56 भोग लगाएं? अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग 56 भोग लगाते भी हैं। और भगवान के 56 भोग में क्या क्या होना चाहिए, चलिए आज इस विषय में भी हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है भात और दाल। दाल, भात, चटनी, कढ़ी, साग की कढ़ी, जैसे एक तो हम लोग बेसन की कढ़ी बनाते हैं और एक जैसे पालक साग आदि डाल के जो कढ़ी बनती है, और श्रीखंड, शरबत, बाटी, मुरब्बा और शर्करा, बड़ा, मठरी, फेनी, पूड़ी, खजला, घेवर, मालपुआ, चोला, जलेबी, रसगुल्ला, पेड़ा, चंद्रकला, महारायता, स्थूली, लौंग पूरी, कर्पूर नाड़ी, खंड मंडल खुरमा, दलिया, परिखा, सुफलाड़िया, बिलसारू, लड्डू, साग, अधावना अचार, मोठ, खीर, दही, गाय का घी, मक्खन, मंडूरी यानी मलाई, रबड़ी, पापड़, सीरा, लस्सी, सुबत, मोहन, सुपारी, इलायची, फल, तांबुल, मोहन भोग, लवड़, कषाय, मधुर, तिक्त, कटु, अम्ल। अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर यह 56 भोग भगवान को भोग में लगाए जाते हैं। अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर मंदिरों में अनेक प्रकार के पकवान बनाकर भोग लगाते हैं। इसके अलावा इस दिन कई उत्सव मनाने की भी परंपरा है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर उन्हें माला पहनाई जाती है और गौ माता की पूजा अर्चना आदि भी की जाती है। धूप चंदन आदि से उनकी पूजा करते हैं। अन्नकूट पर गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके समीप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, गाय तथा ग्वाल बालों की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। इस दिन पूजा में रोली, चावल, फूल, जल, मौली, दही, तेल के दिए प्रज्वलित करना आवश्यक होता है। पूजा के अंत में परिक्रमा का विधान है और आप इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करें। साथ ही आप तुलसी पत्र भगवान के 56 भोग में रखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो भक्तों, आज की जानकारी यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई जानकारी, नई कहानी के साथ फिर से बहुत जल्द नए वीडियो में। आप सभी लोगों को अन्नकूट के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की। राधे राधे भक्तों।